चलिए उसको चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। यस, व्हाट अ क्रेजी वीक दिस हैज बीन। पिछला भी क्रेजी था, ये तो सुपर क्रेजी हो गए। बहुत सारे लॉन्चेस, इतने सारे लॉन्चेस आ रहे हैं दोस्तों, पूछिए मत। आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। चलिए करते हैं चालू। सबसे पहली जो खबर है दोस्तों, जियो के बारे में है। सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया है इंडिया में। यस, 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स दोस्तों क्रॉस कर दिए, पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। वैसे दोस्तों जुलाई के महीने में फॉर एग्जांपल कुछ 37-38 लाख सब्सक्राइबर एक एक महीने में ऐड कर रहे हैं, और उसी टाइम में वोडाफोन आइडिया वी आई जो है ना, उन्होंने 35 लाख सब्सक्राइबर खो दिए। सोचिए, आई मीन दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सब वोडाफोन आइडिया के शिफ्ट हो रहे हैं जियो के ऊपर। वैसे जियो का 5G आपके पास कौन सा है, विच टेलीकॉम ऑपरेटर आर यू ऑन, नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। यस, वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि Vivo V20 लॉन्च हो गया है, उसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस एंड गिव अवे कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा। यू माइट विन, सही में फोन दिखने को अच्छा है। दो सबसे बड़ी चीजें मैं कहूं, एक तो कैमरा, दूसरा इट इज लाइट वेट, इट्स डिजाइन एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत अच्छा है और हल्का भी है, जरूर जाके देखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग। यस दोस्तों, बहुत दिनों से पबजी जाने के बाद ज्यादा बात नहीं होती है गेमिंग की, लेकिन सीओडी मोबाइल का सीजन 11 अक्टूबर 14 को आ रहा है। इसका मतलब कल, आज 13 है, कल आ जाएगा। सो अगर आप सीओडी मोबाइल वगैरह खेलते हो तो नए सीजन के लिए वेट कीजिए, बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, बताएंगे कल आने के बाद क्या क्या है, वो भी बताएंगे इसी टेक न्यूज में। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों आज की सबसे सरप्राइजिंग खबर, जब मैंने पढ़ा उस न्यूज को, आई वॉज सरप्राइज। दो मिनट में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। कार्ल पाए, फाउंडर ऑफ वन प्लस, को फाउंडर है वन प्लस की, जिन्होंने फाउंड किया वन प्लस को, वो अब कंपनी में नहीं रहे। जी हाँ, ही हैज एग्जिटेड। अब क्विट उन्होंने खुद ने किया, निकाला गया, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कुछ तो भी नया चालू करने वाले हैं। वैसे कार्ल पाए इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन एंड स्किल्ड पर्सन, उसको इस मार्केट के बारे में बहुत अच्छा मालूम है। इतना बेबी था वन प्लस, उधर से इधर तक पहुंचा है। सो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कार्ल पाए क्या करने वाले हैं। वैसे दोस्तों याहू ग्रुप्स आप में से कोई इस्तेमाल करते हो आप? डिसंबर 15 से बंद हो रहा है, इट इज शटिंग डाउन। वैसे याहू ग्रुप्स आजकल कोई नहीं। एक जमाने में मुझे याद है दोस्तों, इन 2000-2001 याहू ग्रुप्स वॉज लाइक विकीपीडिया, जो भी आपको चाहिए उधर ही मिलता था, लोग कन्वर्स भी करते थे, सब कुछ उधर मिलता था। आज देखिए बंद हो रहा है। वैसे दोस्तों टेक न्यूज अगर अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए, अच्छी नहीं लगती है पूरी टेक न्यूज देखिए, बट कमेंट जरूर कीजिएगा एक घंटे के अंदर। यू नो व्हाट हैपेंस, हार्ट्स, लाइक्स, रिप्लाइज फ्रॉम मी, कुछ लोगों को। वैसे दोस्तों वन प्लस 8T के लॉन्च इवेंट में, जो लॉन्च इवेंट कल है, उसमें और एक चीज लॉन्च होने वाली है, वन प्लस पावर बैंक 18 वॉट का, और कहा जा रहा है कि 1500 रुपए के नीचे आने वाला है। वैसे उनके जी बर्ड्स और ये सब भी लॉन्च होने वाले हैं, तो 4-5 चीजें कल के इवेंट में लॉन्च होने वाली है, उसमें से वन प्लस 8T का वीडियो आ रहा है, हमारा अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस कल, वेट फॉर इट दोस्तों, अमेजिंग फोन। वैसे दोस्तों पोको की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, एंगस काय हो ये पोको के हैं, उन्होंने कहा वाइबो के ऊपर कि भाई दिस ईयर इज नॉट एंडेड फॉर पोको। जी हाँ, मतलब पोको की तरफ से और भी चीजें आने वाली है इस साल में। वैसे ईसी वेबसाइट के ऊपर एक फोन लिस्ट हो गया है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि इट इज नोट 10 सीरीज का रीब्रांडेड वर्जन, आने के बाद देखेंगे पता चल जाएगा। दोस्तों Realme Q2 Pro, Q2i ये लॉन्च हो गए हैं चाइना में, और Q2 एंड Q2 Pro जो है दोस्तों ये आते हैं Dimensity 800U इस प्रोसेसर के ऊपर, और Q2 की जो प्राइस है दोस्तों वो 14,200 से चालू होती है। Q2 Pro आप देखोगे ट्रिपल कैमरास वगैरह हैं, 4GB RAM, 6GB RAM वेरियंट है, Q2 Pro में 8GB RAM वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस कुछ 19,600, ये कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं, 19,600 है। ये सब 5G फोन्स है, और ये जो i वेरियंट है दोस्तों वो Dimensity 720 पे आता है, Realme Q2 आए डायमेंसिटी 720, और उसकी प्राइस कुछ 12,500-13,000 की है। 5G फोन्स एट 11, 12, 13,000, क्या बात है। दोस्तों Xiaomi ने मास्क लॉन्च कर दिए हैं, उनके K95, जो N95 मास्क होता है वैसे उनका KN95 ऐसे मास्क है, और प्राइस है अगर दो लेने, एक पैर लेना है 250 रुपए के, 5 लोगे आप, उसका भी एक बंडल ऑफर है 600 रुपए में, me.com वेबसाइट के ऊपर अब मिल रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। टीवी के ऊपर टीवी लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज 5-5, 6-6 एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, आईटेल ने भी आज लॉन्च कर दिया है 32 इंच
इंचेस से लेके 55 इंचेस तक छह छह अलग अलग मॉडल्स है, अप टू 4K रेजोल्यूशन है। 8999 से सबसे जो बेस वेरिएंट है वो चालू होता है, 32 इंचेस का HD रेडी वगैरह वो, एंड सबसे ऊपर वाला जो है 55 इंचेस 4K जो है वो कुछ 35,000 तक जाता है। सो छह और नए टीवीज आ रहे हैं, मोटरोला के आ गए हैं, नोकिया के आ गए हैं, ओप्पो के आने वाले हैं, वन प्लस के तो ऑलरेडी आ गए हैं, कितने सारे शाओमी रियलमी तो है ही। और दोस्तों ये जो अंतुतु स्कोर्स है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कल मैंने एक्सिनोस 1080 के बारे में बताया था, आज दोस्तों किरिन 9000 इसके बेस के ऊपर जो उनका मेट 40 सीरीज है या फिर मेट 40 प्रो है, जो किरिन 9000 पे आता है उसका स्कोर आ गया है अंतुतु का 6,90,000 के ऊपर। जी हाँ, ऐसे ही कुछ 6,95,000 1080 एक्सिनोस का आया था, इसका भी वैसे ही कुछ 6,92 या 93,000 आया है। ओ माय गॉड, अब देखना यह है कि 875 का क्या आएगा, क्या लगता है आपको, विल इट बी एबल टू बीट दिस 1080 एंड किरिन 9000, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों पोल के बारे में बात करते हैं, हमने आपसे पूछा था कि लैपटॉप कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, 65% लोगों ने कहा नहीं भाई हमारे पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते। वैसे 14% लोग जिनके पास लैपटॉप्स है उन्होंने कहा मल्टीमीडिया, एंड 13% लोगों ने कहा कि हम गेमिंग करते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर। नॉइस दोस्तों, अब वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का। जी हाँ, कल भूल गए थे, आई नो इट, इतने सारे लोगों ने कमेंट्स डाले, कल पूछिए मत। लेंस कैप बहुत अच्छा है दोस्तों, प्राइवेसी के हिसाब से हम लैपटॉप के ऊपर टेप लगा के रखते हैं, वैसे स्मार्टफोन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, तो लेंस कैप आता है, ये एक ऐप है जो बेसिकली आपके जो आपका जो कैमरा है टैबलेट है स्मार्टफोन का वो बंद कर देता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक ऐप है लेकिन यूजफुल है प्राइवेसी के लिए। ये हो गया कल का, आज का जो है वो है वाईफाई मॉनिटर। ओ माई गॉड, दिस इज वेरी यूजफुल, मैंने इस्तेमाल किया है। बेसिकली आपका वाईफाई मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि भाई घर में अगर ठीक तरह से नहीं आ रहा है तो किस जगह पे सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलेगा, उधर जाके बैठिए बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब वक्त होता है ट्रैक एंड टेक्टाइजर का। जी हाँ, अभी तो डील्स वगैरह ज्यादा नहीं, देख लीजिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि 16 तारीख से बम्बार्ड होने वाले हैं, बम्बार्ड होने वाले हो डील्स के साथ, यस जबरदस्त। वैसे हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन के तो जरूर जाके देखेगा। वक्त होता है ट्रैक एंड टेक्टाइजर का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक्निक में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTTH डालिए, टाइम से हम डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है निखिल सिंह, कांग्रेचुलेशन निखिल जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, जी हाँ, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं दीपेन देव वर्मा, रमन उपाध्याय, योगेश त्रिपाठी, कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों, ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही हर रोज आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही हार्ट्स लाइक्स रिप्लाइज देता रहूंगा कुछ लोगों को। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 855 खत्म होती है इधर ही। यस, अच्छी लगी, 845 से 855 पहुंच गए। जी हाँ, अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं हो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।